नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा पसराहा पूरा माजरा। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र में आज सुबह सुबह एक बड़ी घटना घटी, जिसमें कि साकेत सिंह गुड्डू आरजेडी नेता को गोली लगी है। इसके साथ ही साथ उनके सहयोगी नृपेंद्र सिंह की घटना स्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब जिले में चौथे स्थान पर इंटरमीडिएट के परीक्षा में आने वाले पसराहा के उस महादलित परिवार के बच्चों को जो है सम्मानित करने गए थे आरजेडी के नेता साकेत सिंह गुड्डू, जो कि इस बार पंचायत चुनाव में उसकी मां भाग भी आजमा रही है जो पसराहा से। और ऐसे में चुनावी रंजिश बताए जा रहे हैं कि चुनावी रंजिश के वजह से ही अपराधियों ने उनके ऊपर गोलीबारी की है, और जो उनके सहयोगी उनके साथ में जो प्राइवेट टीचर थे नृपेंद्र सिंह, जो कि अपराधियों ने उनका गोली मारकर हत्या कर दिया। और जैसे ही साकेत सिंह गुड्डू को गोली लगी तो स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर गोगरी के रेफरल अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया, और वहां पर फर्स्ट ट्रीटमेंट होकर उसे बेगूसराय रेफर कर दिया गया है। और साकेत सिंह गुड्डू से जब पत्रकारों ने बातचीत की कि आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम है, जरा सुन लीजिए जो आरजेडी नेता साकेत सिंह गुड्डू हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। नीतू कुमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक माधीपुर कलर का है सुजीत के साथ आ रहा था, वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए, नृपेंद्र को गोली लगी वहीं पर गिर गया है, सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर दो लोगों को लगी है? हाँ, हमको और नृपेंद्र। अच्छा, वही पूरी घटना की जानकारी मिलते ही खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार ने गोगरी के डीएसपी को निर्देशित किया है। इसके साथ ही साथ कई थानों की पुलिस घटना स्थल पर छावनी में तब्दील हुई है, और जांच का जिम्मा उन पुलिस अधिकारियों पर है, कार्रवाई करने का भी जिम्मा उन पुलिस पदाधिकारियों पर है, क्योंकि जिस तरह से बढ़ते चुनाव को लेकर जो रंजिशें हैं, इस रंजिशों पर अंकुश लगाना बेहद ही जरूरी है। जब तक इस आपसी रंजिश पर या फिर इस तरह की गोलीबारी वाली घटनाओं पर अंकुश नहीं लग जाता है, तो फिर लोकतंत्र और चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है वो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे। और जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम सारे अपडेट्स को आपके बीच लेकर आएंगे। बराबर तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। पूरा पूरा